even get to cross. टू बिल्कुल परफेक्ट, थ्री होते हैं, चलो ऊपर स्क्वीज, वन, हाँ परफेक्ट एकदम. हे गाइस, व्हाट्स अप, बद्री रानागर बैक विद द न्यू वीडियो. सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बद्री फिटनेस. कैसे हो यार आप सब, अच्छे हो गए? रीमा, हाय गाइस. तो यार जो आज की हमारी न्यू वीडियो यार, इसमें हम बात करने वाले हैं हमारा जो सैटरडे को क्या वर्कआउट होगा. मंडे टू फ्राइडे तक की सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, बस रह गई थी सैटरडे की. लाइक मंडे थर्सडे बाइसेप ट्राइसेप बैक वर्कआउट की भी, एब्स की भी डाल दी, साइड्स की भी आप लोगों के लिए डाल दी, चेस्ट और शोल्डर जैसे फ्राइडे को लगा रहे हो. एंड सैटरडे को करेंगे हम बूटी वर्कआउट, जिसको हम बोलते हैं ग्लूट्स मसल. थाई को भी हम ट्रेन करेंगे एंड थोड़ा बहुत ग्लूट्स पे भी फोकस करेंगे, जो ज़्यादातर यार गर्ल्स का मेन फोकस उसी पे होता है, आप लोगों को पता ही है. तो जैसे यार हम एक वेडनेस को कर रहे हैं, थाई वर्कआउट कर रहे हैं, और ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ ये बिगिनर गर्ल्स के लिए यार, ज़्यादा एडवांस वर्कआउट नहीं होगा. स्टार्टिंग में आप अगर जिम में एंटर कर रहे हो तो ज़्यादा वो लाइक बिगिनर वर्कआउट ही कर पाओगे, एडवांस वर्कआउट तो आप कर नहीं पाओगे. कि मैं ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताऊँ, हिप थ्रस्ट वगैरह बताऊँ, जो आपसे हो ही नहीं पाएगी, वो एक्सरसाइज बताऊंगा जिसका मसल पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा और इजीली भी आप कर पाओगे, और यार कोई भी इसको कर सकता है. तो बस यार वीडियो को एंड तक देख लेना, 5 से 6 एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ. तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, एंड चलो स्टार्ट करते हैं. सो यार जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होगा, लेंगे हम फ्री स्क्वाट्स. यार जैसे आप वेडनेसडे को कर रहे हो उसमें खाली 2 या 3 सेट्स कर रहे हो, बट इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में 4 सेट्स करने हैं. पहले अपना 15 का ले लीजिए, 20 का ले लीजिए, फिर 25 का. आपके ऊपर कितना जाओगे उतना ही आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा. तो मेन मूवमेंट देख लीजिए, शोल्डर लेवल पे अपने इसके पैर आप रख लेंगे, हल्का से लेफ्ट और राइट की तरफ रखते हुए पीछे की तरफ बैठने, 1 पूरा ऊपर, 2 3 4. ये मेन आपके क्वाड्स मसल को, ग्लूट्स मसल को अच्छे से ट्रेन करेंगे. रीम आपको करके दिखाएंगे, चलो लगाइए एकदम परफेक्ट पोजीशन ले लीजिए. हाँ बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा पैर वो खोलिए, चलो लगाओ, 1 बहुत बढ़िया, 2 परफेक्ट एकदम, 3 बहुत बढ़िया, आन दो, 4 इजी है, 5 कर सकते हो, लगाओ, 6 परफेक्ट एकदम, 7 बहुत बढ़िया, 8 आन दो, 9 आन दो, 10 करो करो करो, 11 12 13 14 एंड 15. बस पहला सेट आपका 15 का रहेगा, फिर 20, फिर धीरे धीरे, क्योंकि पहला सेट 15 का इसलिए थोड़ा आपको वार्म अप भी हो जाएगा. 4 सेट इसके अपने अच्छे से रख लेना. बात करते हैं हमारी सेकंड वर्कआउट की. सो ये हमारा सेकंड वर्कआउट होगा, हम लेंगे यार वाइड स्क्वाट्स. यार जैसे भी आपने नॉर्मल स्क्वाट्स लिए थे, और ये जब वाइड स्क्वाट करेंगे तो ये ओवर इफेक्टिव होगा. तो इसके आपको 3 सेट्स रख लेने हैं, पोजीशन आपको देख लेनी इसकी. लाइक देखो, ये उस वाली वीडियो में नहीं था, बट ये आप सैटरडे को जब करोगे तो इसके अंदर जरूर इसको करना. अपने लाइक इसका पैरों को अपना खोल लीजिए, इतने भार भी नहीं रखने और इतने अंदर भी रखने. जो नॉर्मल स्क्वाट्स की पोजीशन होती है, इससे थोड़ा सा भार रखेंगे, हल्का सा स्लाइड लेफ्ट और स्लाइड राइट. हाँ तो ये पोजीशन बेशक ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, वो आपके ऊपर है. ये हम रखते हुए ये चलाएंगे पूरा वाइड, पीछे इधर बैठते हुए 1, ये 2, ये पूरा इसके अंदर हमारे हैमस्ट्रिंग, पूरे ग्लूट्स मसल इसके अंदर अच्छे से आपके ट्रेन रहेंगे. देखो जब पीछे इधर बैठोगे तो पूरा इसके अंदर मसल आपका ट्रेन होगा. चलो करके दिखाइए आप इसके, खोलो थोड़े से पैरों, खोलो थोड़े से, चलो थोड़े से पैर खोलिए, हाँ बस परफेक्ट एकदम. अब लगाओ इसको, 1 पीछे इधर बैठना, ये घुटने भी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, 3 बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट, 4 बहुत बढ़िया, 5 बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट, 6 7 कर सकते हो, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. बस इसके 15-15 के 3 सेट्स रहेंगे, 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई. बात करते हैं हमारी थर्ड वर्कआउट की. जो थर्ड और फोर्थ वर्कआउट होगा वो आपका मैट के थ्रू हो जाएगा, और काफ़ी इजी वर्कआउट है और काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है आपके ग्लूट्स मसल और बट मसल के लिए. तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, बस उसी तरीके से करना, और 3-3 सेट्स रख लेना, रेपिटेशन 10-12-15, धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहेंगे. हिप थ्रस्ट जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 तरीके से होती है. एक हमारी मैट पर होती है जो जमीन पे, एक होती है वेट लेके. वेट लेके आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे बताऊंगा. और जो एक आपको बताऊंगा जिसको हम डोंकी किक बैक वगैरह बोल सकते हो, ग्लूट्स किक बैक भी बोल सकते हो. तो चलो दिखाते हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से. लाइक जो हमारे थर्ड वर्कआउट है और फोर्थ वर्कआउट है, एक साथ ही आपको चलाना है. लाइक
तो ये मत मैट हो जाएगा अपना नॉर्मल इस तरीके से पोजीशन लेते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से एंड ये किक बैक करनी है पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 जब इसके आपके 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको इसके बाद फोर्थ वर्कआउट करना है वो इस तरीके से होगा जो हम बोलेंगे इसको हिप थ्रस्ट ये ऊपर वन होल्ड करते हुए स्क्वीज करते अच्छे से फिर डाउन 2 अच्छे से स्क्वीज करते हुए इस तरीके से करना है अब आपको रीमा करके दिखाएंगे क्योंकि गर्ल्स का वर्कआउट देखोगे तो गर्ल्स को समझ आएगा चलो जी पहले लगाएंगे ग्लूट्स किक बैक अच्छे से पोजीशन ले लीजिए मसल टाइट चलो लगाओ हाँ दोस्तों 1 बहुत बढ़िया 2 बिल्कुल परफेक्ट 3 हाँ दो ऊपर जा दो थोड़ा 4 हाँ 5 बहुत बढ़िया 6 परफेक्ट एकदम 7 स्लो थोड़ा सा ये स्लो 8 बहुत बढ़िया ये 9 परफेक्ट एकदम 10 2 रेपिटेशन और 11 एंड 12 ये दोनों साइड का अपना कर लेना 3 सेट्स कंप्लीट होते ही अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करके दिखाई रीमा चलो जिसको हम बोलते हैं एक ब्रिज भी बन जाता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं एंड हिप थ्रस्ट भी बोलते हैं चलो ऊपर स्क्वीज 1 हाँ परफेक्ट एकदम 2 बहुत बढ़िया आन दो 3 बहुत बढ़िया 4 ऊपर आके स्क्वीज करो बहुत बढ़िया ये 5 एकदम परफेक्ट 6 7 8 9 एंड 10 इस तरीके से कर लेना काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो भी आप गर्ल्स जिम ज्वाइन करने की सोच रही हैं तो इन एक्सरसाइज को करो ना रिजल्ट्स हैं तो बता देना बात करते हैं हमारी लास्ट वर्कआउट के सो ये जो हमारा फिफ्थ वर्कआउट है इसका नेम है लेग प्रेस ये सारे जिमों में आपको इसकी मशीन मिलेगी मिलेगी और काफी इजी होती है और उस पर वेट इंक्रीज करते रहोगे तो काफी अच्छा रहता है और इसके अंदर आपकी थाइस में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी आएगी हर किसी को मैं रिकमेंडेड करता हूँ जैसे हमने देखा था वेडनेसडे को भी हम कर रहे थे एंड हम इसको सैटरडे को भी करेंगे तो कोशिश करना वेडनेसडे में जो वेट मार सो उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करने में तो लाइक इसकी पोजिशन एक बार आपको दिखा देता हूँ ये एकदम ले लेंगे इसके हल्के से लेफ्ट और राइट पैर रखते हुए अपना इसको उठाया अपना ये लेकर आए नीचे पूरा इसको स्क्वीज करो अच्छे से वन ये पूरा 2 पूरा फील करते हुए 3 पूरा ये देखो इसके अंदर ये मसल मारा ये मसल ग्लूट्स मसल सारे इसके अंदर अच्छे से ट्रेन करेंगे 5 ये 6 चलो रीमा तो इनके लिए थोड़ा सा नीचे चलो लगाओ परफेक्ट एकदम हाँ दो चलो लगाओ हाँ एकदम परफेक्ट चलो उठाओ 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 इसको उठाओ इसको उठा दो चलो लाओ नीचे वन चलो आराम से करना 2 फील करते हुए पैरों को थोड़ा खोलते हुए चलेंगे 3 परफेक्ट एकदम 4 बहुत बढ़िया 5 6 7 नीचे आ दो हल्का सा नीचे आ दो ला दो 8 हाँ ये लाएंगे 9 ये बहुत बढ़िया ये लाएंगे 10 बहुत बढ़िया लाओ लाओ 11 एंड लास्ट 12 इसको या नीचे रखो स्लो लाके रखना ये पास सो वर्कआउट होएगा यहीं पे कंप्लीट सेट्स इसके रख लेना 3 रेपिटेशन 8 10 12 तक आप रख सकते हो ये जो 5 एक्सरसाइज है काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके थाई वर्क पे काफी मसल पे वर्क करेगी वेडनेसडे को भी करेंगे एंड सैटरडे को भी करेंगे तो पूरी सीरीज हमारी आज कंप्लीट होती है आशा करता हूँ आप लोगों को यार काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी पसंद आई होगी सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मंडे से लेके फ्राइडे तक का शेड्यूल अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी है बस सोचा है चैलेंज वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हम बड़ी खतरनाक चैलेंज वो भी मेरे जिम फ्रेंड के साथ होगी तो ज़रूर देखना मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैक्सिमम लाइक करिए कमेंट करिए क्योंकि लास्ट सीरीज की लास्ट वीडियो तो उस पर मैक्सिमम कमेंट्स होने चाहिए ओके होने चाहिए ना मैक्सिमम कमेंट क्या बहुत ज्यादा होने चाहिए बहुत ज्यादा होने चाहिए ओके गाइस बाय बाय लव यू ऑल बाय बाय